गुड मॉर्निंग। दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। एक्चुअली मॉर्निंग नहीं, दोपहर के बजे हैं 3। और इस ब्लॉग की शुरुआत करते एक अच्छे से हंसी के साथ, क्योंकि फाइनली 2 वीक बाद, ऑलमोस्ट 2.5 वीक बाद, मेरी सबसे प्यारी चीज़ जो कनाडा में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसके साथ मैंने अपना बहुत सारा टाइम गुजारा है, वो आज मैं अभी लेने जा रहा हूँ। मुझे अभी बस 2:30 बजे फ़ोन आया, मैं फटाफट से नहा के रेडी हुआ एंड अब सीधा मैं उसको लेने जा रहा हूँ। बहुत दिन की वेट के बाद फाइनली इट्स रेडी। एक नहीं, एक्चुअली 2 चीज़ है, क्योंकि जिसके अंदर वो जो इंसान है वो भी अंदर थे, मतलब मेरे लिए तो इंसान है, लोग उनको मूर्ति बोलते हैं, बट मेरे लिए एक ऑल टाइम फेवरेट पर्सन रहे हैं, हमेशा रहेंगे। तो आज मैं उसको लेके जा रहा हूँ और बाकी सब रेडी है, ना के रेडी होते हैं और फटाफट से जो मेरे पास अभी जो कार है मैं उसके बारे में भी बताऊँगा कि ये मेरे पास कार क्यों थी, कैसे है, डिस्क्रिप्शन बता दूँगा। जल्दी से चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी सारी सॉल्ट्स है ना कि ये लोग जब बर्फ़ गिरती है तब उसको पिघलाने के लिए सॉल्ट डालते हैं, तो शूज़ बहुत गंदे होते हैं। इसको साफ़ करना हर रोज़ रोज़ दिक्कत वाला काम है, तो इसको इग्नोर करना। अब तो ये जो गाड़ी है ना मुझे मिली थी, मुझे दिए है मिशुबिशी वालों ने। वो क्यों दिए, कैसे दिए, जब मैं मेरी जो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो पिकअप करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि वो जो ये गाड़ी जो मैं मिली है कि क्यों मिली है मुझे। बट तब तक आप इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा लुकआउट मैं आपको दे देता हूँ, इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। ये 2016 का मॉडल है। अब 2016 के मॉडल में जहाँ पे हम लोग इंडिया में सिर्फ कुछ फ्यूचर सिर्फ अच्छी सी महंगी गाड़ियों में देखा करते थे, जैसे हीटेड सीट्स आ गए, वेंटिलेटेड सीट्स आ गए, या ऑटोमेटिक 3-वे सीट एडजस्टमेंट ड्राइवर्स के लिए, पैसेंजर के लिए, दोनों इस गाड़ी में है। एंड कुछ कुछ इस गाड़ी का थोड़ा सा इंटीरियर मिलता है फोर्ड से, जैसा लगता है कि फोर्ड इकोस्पोर्ट हमारे पास थी, उसका अगर आप टॉप मॉडल ले लो तो बेसिकली वही आप कॉपी करके आप इसमें रख दो। बट जो नया वाला ये वर्जन इकोस्पोर्ट वाला नहीं, जो पुराने वाले वर्जन थे इकोस्पोर्ट्स वाले, बट उसमें भी कुछ फीचर्स इंडिया में मिसिंग थे, जैसे हीटेड सीट्स हो गया, वेंटिलेटेड सीट्स हो गया, आई थिंक वो गाड़ियों में नहीं दिया गया था वो सब इंडिया में, बट इस 2016 के मॉडल में। तो आप ये गाड़ी पे देख लो, मैं आपको कुछ फीचर्स समझाता हूँ। बीच में वाला कंसोल देख लो तो ऑलमोस्ट आपको फोर्ड इकोस्पोर्ट वाला ही दिखेगा, जहाँ पे यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सारी, मतलब सारी इंफोटेनमेंट सिस्टम की सारी चीज़ मिल जाती है आपको। यहाँ पे मैप भी मिल जाता है इस गाड़ी में। एंड आप इस गाड़ी को 2016 में इसकी ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं, या कुछ वेबसाइट है इनसे कंट्रोल कर सकते थे। आप गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकल जाती थी, माई लिंक करके है, जो आई थिंक सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है पूरा। जैसे मेरी अब ये वाली गाड़ी जो मैं अभी मिशुबिशी चलाता हूँ उसमें भी सेम ही चीज़ है। नीचे आप आ जाओगे तो ऑटोमेटिक कंट्रोलर है वगैरह सब कुछ, इसमें सारी फैसिलिटीज़ दी गई है जो आपको वहाँ पे देखा जाए तो सारी बड़ी गाड़ियों में ही, मतलब जो महंगी ऑडी ले लो आप, BMW ले लो, इन सभी की सारी गाड़ियों में मिलता था। यहाँ पे इंफॉर्मेट क्लस्टर देख लो तो सारी चीज़ें इसमें भी आपको, फ्यूल रेंज वगैरह, 30 स्क्रीन जो अब सुजुकी वालों ने, आप देखे हो तो पिछले 2-3 सालों में ही चालू किया है सुजुकी वालों ने भी दे देना, तो आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया में कुछ फीचर्स कितने पुराने आ गए। यहाँ पे ऑटोमेटिक मिरर अप एंड डाउन सिर्फ 1 टच में ये सारी चीज़ें दी हुई है। मिरर्स पे यहाँ पे लाइट्स,
ऑटो डिमिंग ओ आर वी एम, जहाँ पे नाइट में ऑटो डिमिंग हो जाता है। तो यही सारी कुछ फीचर्स हैं इस गाड़ी में। अगर आप तो अगर आप देखे जाओ कि नॉर्थ अमेरिका में गाड़ी हमेशा से इन लोगों ने एज ए कस्टमर के बेस पे ही निकाला था, कि चाहते थे कि कस्टमर अगर इनकी गाड़ी ले तो ये लोग स्टैंड आउट मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए सारे फीचर्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके दे देते थे कार्स में, ताकि क्या हो कि जो कॉम्पिटिशन्स हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में बहुत कॉम्पिटिशन हुआ करता था कार का। तो आप इनकी जो भी पुरानी कार्स देखेंगे तो उनमें भी बहुत सारी चीज़ें आती थी। अगर आप टोयोटा पकड़ लो, टोयोटा में इतने भर भर के फीचर्स इन्होंने दिए हुए थे 2012-2011 मॉडल के, जब हम कार चलाते थे सारी फैसिलिटीज आ जाती थी, जो कि इंडियन मार्केट में इन लोगों ने अभी ये सब कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में अभी भी उस टाइम पे लोगों की जो कार परचेसिंग पावर होती थी वो बहुत ही कम होती थी। इसलिए इंडिया में इन लोगों ने ज़्यादा चीज़ें नहीं लाई, क्योंकि इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली उस टाइम पे कार ओन ही नहीं कर पाता था। रिच फैमिली से सिर्फ कार ले पाती थी, उसकी वजह से ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दी थी। बट यहाँ पे कनाडा के मार्केट के सिस्टम के हिसाब से अगर आप देखा जाओ, आप एक मिडिल क्लास फैमिली वाले भी हो और आपकी इनकम एक मिड रेंज वाली भी है, तो आप एक कार खरीद सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि जो पेमेंट टर्म होते हैं वो बाई वीकली होता है, कि बाई वीकली आप अपनी गाड़ी का पेमेंट कर सकते हो या वीकली कर सकते हो, जैसे भी आपको जो भी सही लगे उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। तो सपोज कि आपकी यहाँ की एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की जो इनकम होती है वो $2,000 है। $2,000 में से यहाँ पे जैसे हस्बैंड एंड वाइफ ज़्यादा रहते हैं, अगर आप अकेले रहते हो तो आप एक रूम रेंट करोगे, आप एक पूरा घर रेंट नहीं करोगे, क्योंकि एक पूरे घर के जो रेंट है यहाँ पे $1,600 से $1,800 है। अगर आप मेरे केस में पकड़ लो, मेरे पास मिशिबिशी आउटलैंडर है, 2023 का मॉडल है मेरे पास। अगर आप एवरेज मेरी इनकम पकड़ते हो तो 2200 अगर आप पकड़ते हो पर महीने की मेरी इनकम है, तो उसमें से मैं मेरी गाड़ी का भर रहा हूँ कुछ $620 पर महीने, प्लस उस पर इंश्योरेंस जा रही है $150। तो मैं मेरी गाड़ी का भर रहा हूँ ऑलमोस्ट $700-800 आप पकड़ लो। तो $800 में से भी जो मेरी इनकम जा रही, मेरी जो एक्सपेंस है गाड़ी का वो है 50% से भी डाउन। तो इस केसेस पे मेरा फेवरेट, मैं जो कार है वो एफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो कार का वैल्यू है, जो एक्सपेंस है, वो 50% से डाउन जा रहा है, प्लस उस पे मेरा रेंट आ गया वगैरह आ गया। तो मैं कुछ मिला के सैलरी में से कुछ 10-15-20% जो सेव कर रहा हूँ, जो मैं अपने फ्यूचर चीज़ों के लिए मैं सेव कर सकता हूँ। ये मैंने एवरेज इनकम के लिए बताई। जो नॉर्मल एक अगर कोई इंसान मिनिमम पे पे काम करता है तो वो महीने के $2,200 या $2,300 कमा सकता है। अगर $2,300 को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो आप मल्टीप्लाई बाय अभी 55 या 60 चल रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडियन रुपीज़ में ये कितना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली ओन कर पाता है। और जैसे मेरा जो कार है वो टॉप मॉडल है, उसमें सारी फैसिलिटीज आ गई, तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली एक टॉप मॉडल ओन कर सकता है। इसलिए इंडिया में ये सिस्टम अभी नहीं है कि आपकी सैलरी पे भी आप चाहो तो आपको पूरी लोन नहीं मिलती, आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। यहाँ पे आप जीरो डाउन पेमेंट पे कार खरीद सकते हो। हाँ, अभी के टाइम पे देखें, अभी रूल्स बहुत सारे चेंज हो गए, अभी आपको जीरो डाउन पेमेंट में आपको कार मिल जाती है, इंडिया में कोई चेंजेस नहीं है। और ऑलमोस्ट लोगों ने कैनेडियन या नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड्स रेट वगैरह सब कुछ देना चालू किया है इंडिया में, तो अब मिडिल क्लास फैमिली भी एक अच्छी सी गाड़ी ओन कर सकता है। बट जैसे यहाँ पे कैनेडा में है कि आपको एक टैक्स लगता है, 15% टैक्स लगता है गाड़ी का, जिस प्रोविंस में आप खरीद रहे हो उस प्रोविंस में उस हिसाब से आपको टैक्स वगैरह सब पे करना पड़ता है। जैसे इंडिया में आपको RTO पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे आपको RTO पे नहीं करना पड़ता। यहाँ के गाड़ी के प्राइस में ही सब कुछ इंक्लूड होता है, सब कुछ इंक्लूड होते ही आता है, प्लस उसके ऊपर आपको टैक्स भरना होता है। तो बेस प्राइस प्लस टैक्स, दैट्स इक्वल टू योर टोटल अमाउंट ऑफ द कार। और इंडिया में ये चीज़ नहीं है, इंडिया में आपको
बेस प्राइस के ऊपर टैक्स पर ध्यान भरना पड़ता है, आरटीओ फीस भरनी पड़ती है, एनवायरमेंटल फीस भरनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। इसलिए इंडिया में कार्स बहुत महंगी बिकती है। अगर वो लोकली मैन्युफैक्चर नहीं हुई है, इम्पोर्ट करवा रहे हो, तो बहुत इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह सब कुछ मिला के आपको इतना पे करना पड़ता है। तो ये थी कार परचेसिंग करने की जो भी यहाँ पे प्रोसीजर्स हैं वो। और अभी चलते सीधा हमारी कार लेने। अभी आपको पता ही चल गया है कि मैं क्यों जा रहा है। अभी सीधा ये थी बेसिकली यहाँ की परचेसिंग की ये सब चीज़। और अब सीधा चलते हैं यहाँ से, मेरा एक अच्छी सी चीज़ लेना जो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे जाके। तो बने रहिएगा वीडियो में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी का एक्चुअली इतना ज़्यादा क्यों अभी पे कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली $600 पर मंथ एक नॉर्मल, यहाँ पे भी अगर आप सिंगल हो और नॉर्मली $600 $620 आप प्लस इंश्योरेंस मिला के आपके 800 तक पहुँच जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादा बोले तो इनकम वाइज के हिसाब से, क्योंकि आप देख लो कि अगर इनकम 2200-2300 की है तो आपका 60 भी नहीं, आपका 40% तो आपका जा रहा है सीधा कार में। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग बोलते हैं कि आपकी जो गाड़ी की एक्सपेंस होनी चाहिए, जो गाड़ी पे आप खर्चा कर रहे हो या गाड़ी की जो EMI पे कर रहे हो, वो आपकी सैलरी से 20 या 30% मैक्स 20 या 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट मैं अभी इसलिए पे कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कनाडा आते हो और अगर आपको स्ट्रेट अवे घर लेना है, तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नई गाड़ी में आप अपने पैसे स्पेंड ना कीजिए, आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी लीजिए जो $2,000-4,000 की होती है, और उससे जिस जहाँ पे आपको सिर्फ काम के लिए अप एंड डाउन करना है वही सबसे बेटर रहता है कि आप दो तीन हज़ार वाली गाड़ी लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ भी सबसे ज़्यादा अच्छी सी लंबी चल जाती है। बट मैंने नई कार इसलिए ली क्योंकि पहली बार कि मेरा जो ड्राइविंग का जो काम था वो सबसे ज़्यादा था, अब मुझे लॉन्ग ड्राइव सबसे ज़्यादा करनी थी, इसलिए मुझे एक कंफर्टेबल कार चाहिए थी। अब कंफर्टेबल कार मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है, यहाँ पे ये सब चीज़ भी होती है, ताकि अगर मैं विंटर में भी कहीं पे भी जाना चाहूँ तो एक SUV ऐसी गाड़ी है कि विंटर में आप कहीं पे भी जाना चाहो तो आप आराम से जा सकते हो, वो गाड़ी कहीं पे भी ऐसे फंसने का या ऐसा कोई चीज़ नहीं रहती है बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस। इसलिए मैंने पहले ऑप्शन चूज़ किया कि मैं लूँगा तो एक SUV कार लूँगा। अब SUV में भी मैं मोस्ट एफोर्डेबल कार और सबसे अच्छी कार लेना चाहता था, तो मैंने बहुत सारी कारें मैंने एक्सपांड की, मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे कौन सा ऑप्शन सही बेहतर था। मेरे पास 2-3 ऑप्शंस निकल के आए थे, जिसमें से आप टोयोटा की RAV4 पकड़ लो, होंडा की CRV पकड़ लो, जो टोयोटा RAV4 2023 मॉडल CRV 2024 मॉडल आ चुका था, मिशिबिशी में भी 2024 मॉडल जस्ट लॉन्च हुआ था बट मैंने चूज़ किया था 2023 मॉडल लेने का। अब मैंने मिशिबिशी क्यों चूज़ किया, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि प्लस मुझे जो कार मिली मैंने मेरी सिटी से नहीं ली, मेरे सिटी से कुछ 130 किलोमीटर या 140 किलोमीटर दूर मिरामिशी करके एक सिटी पड़ता है, मैंने वहाँ से ली। वहाँ पे उन्होंने मुझे गाड़ी पे $4,000-5,000 डिस्काउंट दिया। पहला रीज़न तो ये था चूज़ करने का। दूसरा रीज़न, जब मैंने सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली, उसमें से मोस्ट कंफर्टेबल प्लस अगर टॉप मॉडल पकड़ ले सारी गाड़ियों का, तो मुझे सबसे ज़्यादा फीचर्स इसी गाड़ी में मिल रहे थे मिशुबिशी में। और मैंने प्लस इन्फॉर्मे प्लस सारे फीचर्स वगैरह सब कुछ, और सबसे खास बात ये थी कि मिशुबिशी आपको देती है अनलिमिटेड किलोमीटर्स पे फ्री रोड साइड असिस्टेंस। सबसे बेस्ट है ये कि आप अनलिमिटेड किलोमीटर चलाओ, आपकी गाड़ी बीच में रास्ते पे खड़ी रह गई तो आपकी गाड़ी को देखने के लिए इंसान फ्री में आएगा, आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। हालांकि दूसरी कंपनियों में आपको कुछ किलोमीटर्स तक ही देते हैं, जैसे आपने 2-3 लाख किलोमीटर चलाए उसके बाद आपको रोड साइड असिस्टेंट आपको फ्री नहीं मिलता है, आपको कुछ अमाउंट इसकी पे करनी पड़ती है। प्लस रोड साइड असिस्टेंट में भी अगर जो चीज़ वहाँ पे रिपेयरेबल है तो उसका कोई चार्जेस नहीं है, अगर आपकी गाड़ी टो करके लेके जानी है
तो उसका कोई चार्जेस वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। प्लस अब मिशुबिशी वाले क्या करते हैं, प्लस तो इनके इंजिन्स पे इतना लोग रिलायबल करते हैं कि इनका इंजिन आराम से 6-7 लाख 8 लाख किलोमीटर तक आराम से चल जाती है। इंडिया में भी अगर आप पजेरो वगैरह देखे जाए तो इंडिया में भी जिनके पास पजेरो है वो अभी भी चला रहे हैं, लोगों 2-3-4 किलोमीटर आराम से चल गई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मोस्टली हाईवे ड्राइविंग जैसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता है, बट अगर आप देखे रहो कि यहाँ पे जो इन लोगों ने दिए कि जितनी भी गाड़ी में जितनी भी ऑयल से आपकी सारी चीज़ें चलती है वो वाली सारी चीज़ों पे वारंटी देते हैं 3 लाख किलोमीटर तक कंपनी वारंटी आती है। तो आपको वो वारंटी का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं करना है, कंपनी आगे से ही आपको 3 लाख किलोमीटर तक आपको वारंटी प्रोवाइड करेगी, जो हर एक सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। मतलब इनके जितने भी कॉम्पिटिटर्स कार आप पकड़ लो उसमें सबसे ज़्यादा वारंटी मतलब माइल्स पे देखा जाए तो किलोमीटर्स पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है 3 लाख किलोमीटर। आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5 साल में आप तो मैक्सिमम अगर आप डेली ट्रैवल करते हो तो आप 3 लाख किलोमीटर तब तक घुमाओगे गाड़ी को, तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखा जाए तो यही गाड़ी में। प्लस मेरे को 4-5 हज़ार डिस्काउंट मिल गया। प्राइस रेंज में देखा जाए तो ये मेरी जो गाड़ी है 55 के अराउंड पड़ी मुझे विथ इंश्योरेंस विथ रोड इंश्योरेंस विथ टैक्स और विथ इंटरेस्ट, जो मैं EMI पे ले रहा हूँ EMI पे मैं इंटरेस्ट भी भर रहा हूँ, तो विथ इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग वो सब कुछ मिला के मुझे 55,000 में पड़ी, जहाँ कि मुझे सारी दूसरी गाड़ियाँ सब कुछ मिला के मुझे 60,000 के आसपास पड़ती। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था एक नई गाड़ी के पास जाने के लिए। और एक दूसरा एक और रीज़न बताओ, पुरानी गाड़ियों पे जो खर्चे आते हैं हर गाड़ियों पे रिपेयर करवाने के लिए, तो यहाँ पे लेबर कोस्ट जो चल रहा है, सिर्फ लेबर कोस्ट की बात कर रहा हूँ, $70 से लेके $110-120 तक जाती है सिर्फ रिपेयर करवाने की चीज़ें। जहाँ पे आपने चीज़ें आप देख लो कि आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आ गया, पुरानी गाड़ी में जैसे मेरा पुरानी गाड़ी में कोई भी चीज़ें करवानी आपको रिपेयर, तो आपको $70-80 के हिसाब से आप भूल जाओगे, आपको कोई इससे सस्ता कोई आपको मिलेगा। खुद को रिपेयर करने आती है तो सबसे बढ़िया बात खुद रिपेयर कर लो कि वही आपको सस्ता पड़ने वाला है पुरानी गाड़ियों में। बाकी नई गाड़ियों में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको 3-4 साल तक आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, 3,000 या 300,000 या 4 मतलब 3-4 लाख किलोमीटर्स तक आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ कवर हो जाता है कंपनी में, आपको लेबर चार्जेस से आप बच जाते हो। और अगर आप सही दिमाग चलाओ, अगर आपको घर लेना है, अगर जैसे मेरे में प्लानिंग था कि मैं घर जब तक मेरा PR नहीं आ जाता, जब तक मैं यहाँ पे 4-5 साल नहीं रह जाता, जब तक श्योर नहीं हो जाता कि मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट यहीं पे करना है या मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे इंडिया में करना है या ये सिटी में करना है या दूसरे सिटी में करना है, तब तक मैं यहाँ पे मेरा कोई प्लानिंग नहीं था। तो मैंने आते ही गाड़ी ले ली, मतलब दो तीन साल बाद मैंने गाड़ी ले ली। मुझे पता था कि मैं 3 साल तक इसकी EMI भर लूंगा। तो मुझे यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी की लोन चालू है और आप घर के लिए आप लोन लेना चाहते हो तो वो लोग लोन उस पर काउंट करते हैं जितनी आपकी डेब्ट है ऑलरेडी। अगर मेरे को अगर आप समझ लो कि मुझे $4,000 का घर लेना है, उस पर मेरा $2,000 की गाड़ी की EMI मिलती है, तो मुझे जो लोन मिलेगी मुझे $2,000 की ही मिलेगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डेब्ट इतना है। तो अगर मुझे $3,000 की भी लोन मिलती तो उसमें से $2,000 माइनस करते तो मेरे पास बीच में बचता वो $1,000 ही बचता। तो $1,000 में ऑब्वियसली कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, बट इसको आप कन्वर्ट कर दो, 2-0 और लगा लो तो $4,00,000 या उसके आसपास की अमाउंट बन जाएगी। तो मोटा मोटा सा यही हिसाब है यहाँ पे। तो अगर बेस्ट इंटरेस्ट यही है कि अगर आपको 2-3-4 सालों में घर नहीं लेना है तो बेसिकली आप गाड़ी ले लो। अब गाड़ी में ये ज़रूरी नहीं है, आप सिडान भी ले सकते हो, सिडान आपको $20,000-25,000 में मिल जाएगी। उसमें भी 7 साल का आप टेन्योर करवाते हो तो आपको पर मंथ आपको $400 के हिसाब से आपको पर मंथ पड़ेगा। डिपेंड करते हो कौन से डीलरशिप से आप ले रहे हो, कितना प्राइस बार्गेन आप कर सकते हो। इंडियन हो तो प्राइस बार्गेन करना तो आपको सीखना चाहिए, नहीं है तो इंडिया में सब्जी मंडी में जाके एक बार प्राइस बार्गेन करना ज़रूर सीखेगा वो, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर काम आएगी। तो मोटा मोटा यही हिसाब है, इसलिए मैंने नई गाड़ी लेने का चूज़ किया। और SUV लेने का इसलिए भी चूज़ किया था क्योंकि अगर मेरे फ्यूचर में पेरेंट्स आते हैं तो मेरी वाली जो गाड़ी है वो 7-सीटर है,
सेवन सीटर आराम से सारे लोग उसमें फिट आ जाएंगे, पेरेंट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से फैमिली अंदर बैठ के चाह सकती है। तो एक थोड़ा सा फ्यूचर प्लान करके लिया था, तो आप मुझे कमेंट करने के बताना कि ये फ्यूचर प्लान के हिसाब से सही है या गलत है या मुझे कुछ और चेंज करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, तब तक ये जर्नी में मैं जहाँ पे जा रहा हूँ देखते रहिएगा। अभी व्लॉग पूरा नहीं हुआ है, पूरा देखिएगा, बेल आइकॉन सब्सक्राइब बटन सब कुछ दबा दो, जो भी आपके स्क्रीन के नीचे दिख रहा है ना सब कुछ दबा दो। मैं बताने वाला था मैं कहाँ पे आया, और ये देखो पहुँच गए हैं हम अपनी बीच के पास, बीच को पिकअप करने के लिए। यहाँ पे क्यों थी गाड़ी और मैं क्यों आया हूँ इसको वापस पिकअप करने के लिए। फाइनली आई एम रियली हैप्पी कि मुझे मेरी बीच वापस मिल गई, तो इसको फटाफट से पेपर वर्क डन करते हैं और इसको ले कर चलते हैं सीधा।